वेलकम टू जॉय किचन इनके बीन्स पर्पूसली पनीरके इदे विद पर्पूसली वंदु सादत्तुल पोट्टु पिसेंजु साप्टालुम नल्ला इरुक्कुम अदे समयत्तुल एल्ला विधमान कोलंबुक्कुम साइड डिश्शा वेच्चिक्कलाम वांगे इंद बीन्स पर्पूसली एप्पडी सेय्यलाम्नु पार्क्कलाम इनके बीन्स पर्पूसली पण्ण पोरेन इदुक्कु वंदु 200 ग्राम बीन्स वंदु नल्ला कळुविट्टु कट पण्णि एडुत्तु वेच्चिरुक्केन इंद मादिरि नींगा कट पण्णि एडुत्तु वेच्चिक्कोंगा इप्पो इदै वेग वेच्चिक्कलाम ना वो इड्लि कुर वेग वो इड्लि इतमारी तीन को नम बीन आविल वेग वो अेस्ट रोम नल्कि वेग वाला कुछ तनी ऊती और कड़ा पुट उ अलव तं ऊती वेग वो ती वड़ अल्वक वाम अलव तं ऊती वजा कुछ उपटकल उपटे ना कल विटिटे मूड़ी वेग विटकल एंमें वेग वील पड़ा रोम टेस्टा कलर मारा वेग वचिकल अरप नम्बर अरेचिकल कड़ पर् 100 ग्राम कड़ पर्पी का मिग ना रेम नेर ऊरे वी वेल मिक्सि जार कुरप अरेचिकल अदकूर कल स्पून जीरकमें कुरपा कुछ उप अरेचिकल ना वंदी कलर पांग अब பாருங்க நல்லா வெந்திருச்சு வெந்திருச்சான்னு பாத்துக்கங்க நல்லா இருக்கும் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சும்மாவே சாப்பிடலாம் அவ்வளவு நல்லா இருக்கும் இப்படி ஸ்டீமர்ல வேக வைக்கும்போது இப்போ இத எடுத்து ஒரு தட்டல வச்சிரலாம் வெச்சிட்டு நம்ம வந்து இப்போ பருப்பு ஊசலி தாளிச்சுக்கலாம் பருப்பு நல்லா வதக்கி எடுக்கணும் 5 நிமிஷம் தான் 5 நிமிஷத்திலே இந்த பீன்ஸ் நல்லா வெந்துறோம் நல்லா சாஃப்ட்டா வெந்துறோம் இப்போ மூடி இருக்கட்டும் पर्प ना वदकल अद्कु आयिल ऊतिकल नहीं ना इनके एल वदकें आविलूँ स्टीमर बीनस वेग वे पर्प आविलूँ वेग विडल आना एपी वदकोद टेस्ट नल्को एल वद अब स्टीमर वेग वे अदकू ना उतकल कुछ कड़ग कड़ ना करी वेग अरे वो कड़ पुपर ना अड़प कमी पड़े कमी पड़ी अब ना वदकण ना वदंगी वेगण इतकूड़े पेरूल मंज तू ना वदकल ना उद्रिया वर् वे वदको अड़प कमी पड़ी ना वदकल इतना ना वदंगी सिमल वे और पत् निम्सम वद कड़ पर्पड़ पचवाड़ पोना ना उद्रिया वरण इतना बीनस पटेल वेग वो बीनस ना कल विटकल इतना अड़प कमी पड़ी और 5 निम्सम अब वेगल कुछ उप पचल कुछ उपटकल और 5 நிமிஷம் அந்த பீன்ஸ் இதெல்லாம் அந்த பருப்பு எல்லாம் நல்லா ஒன்னு சேர்ந்து வர நம்ம கலந்து விட்டுக்கலாம் இதல கொஞ்சமா பச்சை கறிவேப்பிலை போட்டு அப்படியே நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் அவ்வளவுதான் பீன்ஸ் பருப்புஸ்லி ரெடி இதல கடைசியா மல்லி எடுத்து வைக்கலாம் இதுவே ஒரு கலர் கலந்து விட்டுட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிரலாம் இது சும்மாவே ஒரு கிண்ணத்துல போட்டு ஸ்பூன் போட்டு சாப்பிட்டாலும் நல்லா இருக்கும் குழந்தைகளுக்கு நம்ம சாதத்துல போட்டு பிசைஞ்சி கூட கொடுத்துக்கலாம் நம்மளும் பிசைஞ்சி சாதத்துல போட்டு பிசைஞ்சி சாப்பிட்டுக்கலாம் இப்போ பருப்புஸ்லி ரெடி இதுல வந்து கொத்தவரங்காயில நீங்க செய்யலாம் அவரக்காயில செய்யலாம் இந்த மாதிரி நிறைய தண்ணி காயில செய்யலாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நாட்டு காயில கொத்தவரங்காய் அவரக்காய் கேரட் பீன்ஸ்லயும் கூட செய்யுது சாரி கேரட்லயும் கூட செய்யலாம் பருப்பு ஆப் பண்ணியாச்சு